ओहो कितना प्यारा लग रहा है ना, गाइस बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है। और हाँ, मेरे को एक चीज टेस्ट करनी थी, जैसे मेरी स्किन है, मैं सी दबाऊँ तो मेरी स्किन पे भी जूम करेगा। ओह माय गॉड। ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। और आज हम अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में प्यारा सा घर बनाने वाले हैं। मैंने सारी चीजें ही कर दी थी, लाइक मैंने एक ट्री फार्म बना दिया था और एक जानवरों के लिए भी एक फार्म बना दिया था, और मैंने अपने खुद के लिए घर नहीं बनाया था, तो आज हम वही करने वाले हैं। देखते वीडियो में क्या होता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रहा अपना वन ब्लॉक वर्ल्ड, लोड कर दिया। एंड हम वन ब्लॉक तोड़ने में ही है, हम पिछले बार हमारी शवल टूटी थी ना, मैंने उसके बाद अपना माउस तक नहीं हिलाया। और ये रहा हमारा पीछे अपना फार्म, जिसमें अभी तक एक भी चीज नहीं होगी, सो सैड। एंड ये देखो अपना ट्री फार्म, देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है। 1 2 3 4 4 पेड़ इसमें उग चुके हैं। एंड कुछ डर्ट यहाँ पर लगा देते हैं, एक मेरे को 64 स्टैक डर्ट। इतना कुछ सामान है अपने पास, और वो घर हम बनाएंगे वुड से और थोड़े कॉबल स्टोन से। इसका फेंसिंग भी करनी थी, तो वो देखेंगे कब करेंगे। एंड पहले तो एक शवल बना देते हैं। ओ कॉबल स्टोन की कमी है क्या मेरे पास? नहीं, 18 और 64 हैं। सो मेरे को घर बनाने के लिए कितने लगेंगे, एक मिनट, मेरे को घर बनाने के लिए इतने कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो चल जाएगा अपना काम। हाँ 18 कॉबल स्टोन मैं रख लेता हूँ अपनी जेब में, 18 ही रखते, एक शवल ही बनानी है। ओ शवल मेरे पास वुडन की पड़ी है, पहले इसको खर्च करते हैं। वन ब्लॉक वर्ल्ड में बिल्कुल भी अमीरी नहीं दिखानी अपने हमको, वुड का सामान है, वुड ही से काम चलाओ। और इसमें एक सैपलिंग, ये मेरे पास 2 सैपलिंग पड़ी है, तो इसको उगाते हैं वहाँ जाके। और पेड़ भी काटता हूँ मेरे को, एक इधर एक इधर। भाई कितना मस्त काम कर रहा है अपना ये, वुड ही वुड, वुड की तो कोई अब दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरे को नहीं लगता कि वन ब्लॉक वर्ल्ड में कभी भी हमारे पास वुड का काल पड़ सकता है, डर्ट का एक टाइम पे पड़ ही जाता है भाई, तो डर्ट अभी मैं इतनी कुछ यूज़ नहीं करूँगा। ये देखो हमारे सामने ये वाला पेड़ उगा भी। और हाँ मेरे को एक चीज़ टेस्ट करनी थी, जैसे मेरी स्किन है, मैं सी दबाऊँ तो मेरी स्किन पे भी जूम करेगा। ओह माय गॉड इट इज़ नाइस। फिर सैपलिंग और सेब पड़ा है भाई, सैपलिंग भी देता है, सेब भी देता है, सब देता है। सेब देते हैं, आम देते हैं, फिर हम क्यों इनकी जान लेते हैं। जान नहीं ले ला, मैं दोबारा भी इनको उगा रहा हूँ, एक टाइप से जान नहीं ले रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। और मेरी एक्स भी टूट गई, कोई बात नहीं भाई, पूरी लीव्स ही लीव्स होगी पूरे यहाँ। हाँ भाई कहाँ चल रहा तुम्हारा, एप्पल कोई खाता है? तो खाएगी नहीं, मैं ही खाऊंगा फिर। ताजे ताजे सेब मेरे पास बहुत सारे सेब पड़े हैं, ये देखो 35 सेब पड़े हैं हमारे पास। मैंने अभी तक आयरन की पिकेक्स नहीं बनाई। स्टार्ट करें अपना घर बनाना। तो हम घर किधर बनाएंगे, मेरा मन कर रहा है मैं इधर से जाके लेफ्ट को एक बनाऊंगा अपना ये खाने वाला फार्म, इसको क्या बोलेंगे हम, वीट फार्म, वीट तो नहीं उसमें, मैं सब उगाऊंगा जैसे। और हाँ आपकी मैंने पिछली बार कमेंट देखे थे कि हमको ये पम्पकिन को उगाने के लिए एक एक का स्पेस ही होता है, जैसे मैंने यहाँ पर उगाया तो इसको छोड़ के मेरे को यहाँ पर उगाना पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान देंगे। एंड ऐसी एडवाइस देने के लिए थैंक यू। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए मेरे को। एंड मेरे पास वुड कितनी बड़ी है अभी, मोर देन इनफ, इतने से ही हो जाएगा भाई मेरा। ये देखो ओह माय गॉड, एक सेकंड मेरे पास और वुड के लॉग पड़े क्या, मेरे को सारे नहीं बनाने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। मैं अपने घर के डिज़ाइन में एक चीज़ ट्राई कर रहा था, पहले बनाते इसके बहुत सारे स्लैब्स, ये ऐसे करा, ये बन गए बहुत सारे स्लैब्स। एंड हाँ अब वही अपना काम करते हैं। हाँ मैं इस साइड को घर बनाने वाला हूँ, जैसे हमारा घर है और उधर ग्लास लगा होगा, और ग्लास के लिए मेरे पास सैंड है, प्लीज गॉड सैंड सैंड सैंड। मेरी पूरी हर सामान की एक ही चेस्ट है भाई, अपने घर के अंदर जाके अच्छे से मैनेज करेंगे सब चीज। सैंड सैंड सैंड, अगर आपको दिख गया तो सॉरी, मेरे को नहीं दिखी अब तक, मेरे को भी नहीं दिखी यार है। अरे प्लीज, अगर मैं वहां पर जहाँ पर मेरे को ग्लास लगाने में वुड लगाऊंगा तो बहुत अजीब लगेगा हमारा घर। और मेरे पास एक ग्रास ब्लॉक पड़ा है जिसको मेरे को बिल्कुल बचा के रखना है। अरे ऐसा मत करो यार, मेरे पास सैंड थी, मेरे को पता है मेरे पास सैंड थी। पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे वर्ल्ड में, कोई समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर स्लैब क्यों लगा रहा हूँ ऐसे, जबकि मेरे को यहाँ पर वो लगाने चाहिए ना, क्या कहते हैं स्टेयर्स, इसको ऐसे कर देता अब सही लग रहा है। हाँ मैं स्टेयर्स क्यों नहीं लगाता, बट स्लैब ही ठीक है क्योंकि आगे भी हमारे स्लैब लगे हुए हैं, इसके बिल्कुल सीधाई में लगाऊंगा। यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको पहले शिफ्ट दबा लेते हैं, यहाँ पर जाके ऐसे। अरे यार पहले एक एक्स बना लेता हूँ। पेड़ों को सही है, फ्री में स्टिक भी देते हैं, हर चीज़ देते हैं भाई। सही कर लिया मैंने, एक ट्री फार्म बना लिया, बिकॉज मेरे पास जितनी भी सैपलिंग थी सब वहीं उगेगी। पहले अपनी जेब खाली करो, बिल्कुल भी सामान नहीं गिराना चाहता मैं, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि एक ना एक बार मैं गिर सकता हूँ और मेरी चेस्ट भी फुल होगी। पहले यहाँ से एक बाउल निकाल लेते हैं, इसमें डाल देते हैं प्लैंक्स, बर्च की सैपलिंग उगा आता हूँ मैं, एक बर्च की सैपलिंग भी चाहिए हमको, हर चीज़ की दे दो भाई। भाई कितनी सैपलिंग दोगे, ये सारे पेड़ ही काट देता हूँ एक मीटर का। लिटरली गाइस ये देखो मेरे पास 5 सैपलिंग हो चुकी है एक एरी, ये देखो
ठीक है, अब सारे पेड़ काट दिए मैंने जो कि बीच में एक मनुष्य पड़ा है। मनुष्य नहीं यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, अब हमने सारे पेड़ काट दिए, अब इनसे मिलेंगे मस्त मस्त सैपलिंग। अभी मेरे पास 5 सैपलिंग हो चुकी है, इसको इधर उगा देता हूँ, इधर 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 एंड इधर। नाइस, ठीक है पहले इसको तोड़ो। बच गया, मेरा बाउल निकाल तक आया। वो मेरे पास 9 अंडे हैं, 9 भी नहीं, बहुत सारे हैं। ये देखो रॉटन फ्लैश, बहुत भाई मैं कुछ भी नहीं फेंक रहा हूँ इनमें से। फैदर, फैदर का भी कोई काम नहीं लग रहा है क्या। रेड मशरूम, हाँ ये कर लेते हैं, स्लैब क्योंकि लगाने हैं अभी। बाउल से जी मैम बिल्कुल लेंगे हम भाई। ये दो दो अपना हंगर बार कम कर देती है, मतलब बढ़ा देती है। ठीक है, और नहीं खाना हमको। एंड रात भी हो गया, पहले गुड नाइट। चलो काम स्टार्ट करते हैं अपना। 2-3 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैंने कुछ तो करा बट मैं स्लैब्स वेस्ट कर रहा हूँ मेरे ख्याल। ये हमको थोड़ा सा और, मैं 2 और ऊपर ले जाना चाहूँगा इसको। एक और इधर लगा के, इधर मैं कुछ तो गलती करी मैंने। ठीक है, अब सही हो गया। ऐसे ऊपर चढ़ेंगे सीधा जाके। अब इसको करते हैं बड़ा, इस लैंड को इक्वल करूंगा एकदम। एक 2-3-4-5 पानी ब्रेक, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी भाई। और पता नहीं एसी को क्या दिक्कत है, एसी भी नहीं चल रहा, पंखा चला नहीं सकता मैं। नाइस, 1-2-3-4-5 ठीक है, 5 1-2-3-4-5 ठीक है, यहाँ से 5 है ना, 1-2-3-4-5 इतना मेरे को इनफ। यस, चलिए गाइस देखिए मेरे को दोबारा मरते हुए क्या कह रहा है। यू डाइड एंड रिसीवर रिकवरी किट, एक और बार मर के देखूँ। मैं जा रहा हूँ, तो देखना है 3 होने के बाद क्या होगा। यस, अगर मैं क्या क्या रिकवरी किट मिली भाई मेरे को, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, 3 के बाद हम मर नहीं सकते क्या? पता नहीं भाई क्या चल रहा है, मेरे सारे स्लैब्स गए। और एक काम करता हूँ, अभी सिर्फ एक एक्स बनाऊँगा, 1-2-3 और 1-2 ठीक है। तो जाएगी तो सिर्फ एक एक्स जाएगी, जिसका मैं कुछ इतना गम नहीं होगा। 1-2-3-4-5-6-7 मेरे को तो बहुत लग रहा है भाई इतना। 2-3 15x10 का प्लेटफॉर्म बना रखा है मैंने। मेरे पास अभी भी बहुत सारे स्लैब हैं और मेरे को बहुत सारे प्लैंक्स चाहिए, स्लैब्स का कोई काम नहीं है। इतनी सारी वुड है ना अपने पास अभी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना घर बनाना। पहले हमको सेंटर ढूंढना है, सेंटर है ये वाला ब्लॉक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक लगा देंगे। जैसे हम आएंगे यहाँ पर एक सेंटर होगा, एंड हमको सेंटर पे घर नहीं बनाना, उसका डोर होगा। हम अपने घर की स्टार्टिंग करेंगे कोबलस्टोन से, या हमको पहले कोबलस्टोन चाहिए सारा का सारा सारा जमाना। उसके लिए हमको 1-2 ब्लॉक छोड़ के इधर इधर से फिर इधर। चलो इसको हमको ले जाना है सारा ब्लॉक ऊपर, 1-6-7-11-12 भाई इतना बहुत है, यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा। मेरे पास तो कोई पिकेक्स भी नहीं है गाइस, मैं मरूंगा क्या, शायद मर जाऊंगा। ओ नहीं मरा, हमने ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया मेरे को लग रहा है। नहीं ठीक बनाया मैंने, एक मशरूम स्ट्यू दे दो यार, एंड एक वाटर बकेट ले लेता हूँ। ये अंडा ना, अंडा अपने पास ही रखो यार थोड़ी देर के लिए, ये तोड़ दो यार चेस्ट बहुत इरीटेट कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक छोड़ना है, यहाँ पर मेरे को ग्लास लगाना था, 1-2 एंड 3, और यहाँ से हमको दोबारा इतना ही ऊपर ले जाना है,
1, 2, 3, 4 एक मिनट, स्लैब के ऊपर वाटर प्लेस हो जाता है यार। वाटर बकेट एमएलजी तो हो ही नहीं रही, लेकिन एक सेकेंड, मेरे पास शायद वो है ना। और हम किससे एमएलजी कर सकते हैं? मेरे पास स्लाइम भी नहीं है, जैसे कि मैं कर ही लूँगा स्लाइम वाले एमएलजी। बैरी भी नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास भाई। छोड़ लो, डैमेज ले लेके ही करना पड़ेगा, उससे पहले सो जाता है। मैं दूसरी बार सो रहा हूँ उस वीडियो में। चलो अब नॉन स्टॉप भाई घर बनाते हैं, अब कुछ नहीं देखना। अरे मैं ऐसे भी तो सो सकता हूँ, ये देखो खाली पीली की टेंशन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर पानी डाल देना सिंपली, फिर यहाँ से आते हुए पानी ले लेना है। आते जाओ आओ जाना पानी। फिर हमको इसको पीछे ले जाना है, 1, 2, 3 जितना ले जा सकता हूँ मैं उतना ले जा रहा हूँ यार। शायद हमारा घर छोटा बन सकता है यार, लैंड छोटा पड़ रहा है मेरे हिसाब से। वुड खत्म हो गई, भाई सही लग रहा है अभी तक तो। इतनी सारी वुड पड़ी है अपने पास, अब हमको क्या करना है कि 1, 2, 3, 4 चार ब्लॉक। सॉरी गाइस, मैंने फालतू के ब्लॉक लगा दिए पता नहीं क्यों। जो ये सारे मैंने ब्लॉक लगाए वो मेरे को इसके नीचे लगाने थे। कितने शानदार विचार रखते हैं ये। भाई बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरे तो। लिटरली बता रहा हूँ, जब से मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ ना तब से मैंने अपना शिफ्ट ही नहीं छोड़ रखा भाई। वुड की कमी पड़ी ना, एक तो वन ब्लॉक है ही है, और वो देखो दिख रहा है इतना बड़ा जंगल, आर्टिफिशियल जंगल, पूरे लीव्स ही लीव्स हैं वहाँ पर, वो उखाड़ लेंगे सीधा पूरा। ओके, मेरा विचार तो था यहाँ पर ग्लास लगाने का, बट पता नहीं मेरी सैंड कहाँ की। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, और यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगा सकता हूँ, पता नहीं वो कैसा रहेगा, लगा के देखना पड़ेगा। एक बार एक घर बनने दो, इतना कूल लग रहा है ना घर। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से 1, 1, 2, 2, 3, 4 लेके, फिर यहाँ से इसको जोड़ दो। भाई अब रात और दिनों में काम करूँगा। अब यहाँ से हमको नीचे जाना है, एंड ये आ गए हम नीचे। एंड लिटरली मेरे को डब्ल्यू दबाना था, मैंने क्यू दबा दिया, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। बट हमारे पास अनलिमिटेड वाटर सोर्स है, लेकिन मेरी बकेट गई यार, तब दुख हो रहा है। ये भी हम नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं बना सकते, स्टोन की बनती है क्या? बन गई गाइस, ये देखिए कितनी नौटंकी करता हूँ मैं। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ तो कर दो भाई। कितने दिन से यही वुड तोड़ो, फिर वही वो करो, वुड ही वुड तोड़ने मैं हूँ मैं। मैंने कहा ना जो भी आएगा वो मार खाएगा, बिकॉज आई डोंट नीड जानवर। एप्पल एंड सम सीड्स, तुम जाओ इधर, तुम ऐसे आओ। थोड़ा छोटा शेप में आ रहा है घर। अब मेरे को बनाने थोड़े से फेंसेस, यस स्प्रूस के बहुत अच्छे लगेंगे। जो चाहिए होता है वो तो है ही नहीं भाई। वो जैको लैंटर्न कैसे बनाते हैं? अब अरे मकड़ी घूम रही है ना, सो जाते हैं। पक ऐसे, ओ ग्रेवल तो है लेकिन आई नीड सैंड। इधर तू, इधर तू, इधर तू भी, इधर जाओ। एंड मेरे को फेंसेस चाहिए थोड़े, छह बना सकता हूँ मैं। वो फेंसेस लगेंगे ऐसे, एक दो, एक गेट लगेगा बीच में,
नौ लगा के देखते भाई, बिल्कुल बचत के साथ चल रहा हूँ मैं इधर। यहाँ पर एक गेट लगा दूंगा भाई, थोड़े से और चाहिए मेरे को। 12 फेंसेस प्लीज, अब हो जाए, अब तो हो जाएगा। थोड़ी सी चाहिए थी वैसे भी हमको, नहीं थोड़ी और चाहिए थी, टावर सा खड़ा करना था। एंड यहाँ से भी ऐसे, एंड यहाँ पर पता क्या बनेगा हमारा, स्टोरेज रूम। यस एंड ये मेरा खुद का आइडिया था कि यहाँ पर मैं अपना स्टोरेज रूम बनाऊँ। अब दोबारा ऊपर का काम है, तो लेट्स गो अप। इसमें बहुत सारा वुड लगने वाला है मेरे हिसाब से, तो फिलहाल तो बहुत अमीर है गाइस हमारे पास। ठीक है, उसका बर्रा खाएंगे, झारखंड में बस जाएंगे। ठीक है, ओके, ये ब्लॉक को क्या तकलीफ है भाई। यहाँ पर भी ग्लास लेना है मेरे को, बट ग्लास नहीं है अपने पास अभी, तो उसको वो खुला भी रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं फेंसेस भी लगा सकता हूँ। एंड यहाँ से हमको लगानी है लैडर ऊपर आने के लिए। पानी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। ओ हाँ, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल होगा कैसे, साइन लगाने पड़ेंगे ना मेरे को। यस, शायद मेरे को साइन लगाने पड़ेंगे, बट अभी इतना कुछ है नहीं, छोड़ो ऐसा है। ओके, एंड अभी क्या करना है हमको, बनाना है एक डोर। तो डोर के लिए हमको लगेगा वुड, जो कि हमारे पास भर भर के, इसकी रेसिपी मेरे को पहले से ही पता है। ओक का ठीक है, ओक का ही बनाते हैं, और सिंगल डोर लगाऊंगा मैं। एंड यार यहाँ पर यही लगाने पड़ेगी वुड। वी नीड मोर वुड, तो ये वुड हम अपने ट्री फार्म से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास पड़ी थी वो वुड सब खत्म हो गई। ट्री फार्म कब काम आएगा, अभी। ज़ॉम्बी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, डर्ट भी बहुत सारी है। एंड हाँ, पहले थोड़े से लैडर्स बना लेते हैं। 6 लैडर हो गए हमारे पास, 6 लैडर से हो जाएगा काम। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6। अबे टूट जा भाई, अलग ही दोहरे पड़ रहे हैं। लग जा, लग गई, ऊपर नहीं आ पाएंगे हम। एक और लैडर चाहिए, घर बना लेते हैं। 9 लैडर हो चुके हैं अपने पास। लेट्स गो, अगर हमको यहाँ से टेररिस्ट टैम पे हमला कर दिया तो फूई 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 करके हम उनको मार सकते हैं भाई। चाहे गरीबी हो, लेकिन कितने फ्लोर का बनाया मैंने घर, सो जाते हैं, बिकॉज सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाइज आप सोएंगे नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। जैसे पहले मेरे को चाहिए फेंस, पहले बनाओ फेंस, बर्ड्स की फेंस लगाया था यार, छोड़ो। अब इसको अलग से हाथ से तोड़ो। सो अब उनको क्या करना है, थोड़े और फेंस बनाने। चलो अब अपने पास एक आश्रम है, एक शेल्टर है रहने के लिए। ज़ॉम्बी के हाथों तो नहीं मरेंगे अब हम। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ क्या, नहीं निकल सकता। चलो अपना घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, हाँ हो ही गया है। चलो गाइज अपना घर कंप्लीट हो गया, अब लाइटनिंग वाइटिंग लगानी है। पर पहले चेस्ट का काम करते हैं, चेस्ट मेरे पास भर भर के बनानी, क्राफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वाई आर यू नॉट बर्निंग डबल चेस्ट, वट यू हैव प्रॉब्लम। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओहो कितना प्यारा लग रहा है ना। एंड 4 फर्नेस इज रेडी। एंड इस फर्नेस को तोड़ने के लिए हमको लगेगी पिकैक्स, मेरे पिकैक्स का, जो कि वर्ल्ड में गिर के मर गई थी, हमको नई पिकैक्स बनानी पड़ेगी। 5 फर्नेस हो गई, 3, 2, हाँ सही। ये बीच में से, फिर ऐसे। ये मेरा खुद का स्टाइल है, मेरे घर में रखने में बहुत मज़ा आता है। एक फर्नेस मेरी एक्स्ट्रा बन गई, तो उसको यहाँ रख देंगे। ये देखो गाइस हमारी भट्टी रेडी हो चुकी है पूरी। एक तोड़ देता हूँ, एक ऊपर लगा दूंगा ना, अच्छी नहीं लग रही, पहले अच्छी लग रही थी। पहले अपना बेड उठा के लाते हैं वहाँ से।
यहाँ पर लगाते हैं बेड, यहाँ पर रखते हैं दो चेस्ट जिसमें हमारा बहुत कीमती सामान रहेगा, एंड बुक शेल्फ मेरे पास है नहीं। आर्मर स्टैंड में बना सकते, लेकिन इसमें मैं आर्मर नहीं रख सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर कुछ लीव्स, और मेरे पास शीयर्स भी पड़ी हैं। कहाँ की शीयर्स, ये अगर मैं मशरूम काओ पे शीयर कर दिया मेरे को पता है कि वो नॉर्मल काओ बन जाएगी। आई नीड ओक, ठीक है कितनी आ गई अपने पास, चार हो जाएगा चार से यार। मेरे जानवर नहीं जानती बाहर, एक दो तीन चार, नाइस। ओहो कितना प्यारा लग रहा है ना, मैं इस बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को पता है मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। इतना ही सामान रखेगी घर में अपन, पर भी कुछ ऐसा खास नहीं है। या तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने आज की इस वीडियो में एक घर बनाया जो कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। एनीवेज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।